ये हमारा टॉपिक है कि अगर आपको एक आवेश दे दिया जाता है तो वो कितना विद्युत विभव बनाएगा। जैसे मेरे पास ये एक आवेश है तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, और विद्युत क्षेत्र के बनाने के साथ साथ अपने चारों तरफ भी विद्युत विभव भी तो बनाएगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र इस तरफ जा रहा है ये। और हमने अभी पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र में विभव भी होता है और हर स्थान का विभव अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पर ये स्थान को सेलेक्ट करता हूँ, इस आवेश से इसके कुछ ना कुछ दूरी रही होगी, तो मान लीजिए ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक R है और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया P। तो बिंदु P पर कितना विभव होगा इस आवेश के कारण, उसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप किसी आवेश को उठा करके यहाँ पर लाए, आपने जितना वर्क किया उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव की कैलकुलेशन कैसे होगी, बिंदु P तक आवेश को लाने में आपने जितना कार्य किया वही कार्य आपका विद्युत विभव कहलाएगा। तो हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे किए गए कार्य की। तो वो आवेश कहाँ है जिसको आप उठा करके ला रहे हो, तो मान लीजिए वो इसी लाइन पर है इधर कहीं, मान लीजिए वो यहाँ पर रखा हुआ है, इस वाली लोकेशन पर रखा हुआ है, ये इस वाली लोकेशन का नाम रख दिया मैंने ए, और यहाँ पर ये आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट। अब इसको उठा करके यहाँ तक लाने में जो भी कार्य होगा यहाँ का विद्युत विभव कहलाएगा। तो इसको उठा करके यहाँ पर ले आते हैं। अभी फिलहाल ये बिंदु आवेश यहाँ पर अगर रखा हुआ है तो ये दूरी मान लीजिए इसकी यहाँ से x है, x, तब इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के बीच में लगने वाला बल कितना होगा। तो कूलम्ब के नियम से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q एंड Q नॉट अपॉन में ये दूरी का स्क्वायर, ये दूरी का स्क्वायर हो गया। ठीक, हमने ये मान लिया कि ये बिंदु A पर कोई एक घन परीक्षण आवेश रखा है जो कि x दूरी पर है, तब कूलम्ब के नियम के अनुसार इन दोनों बलों के बीच में इतना बल लगेगा 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन दूरी का स्क्वायर। अभी हमें विद्युत विभव यहाँ पे ज्ञात करना है, तो विद्युत विभव की परिभाषा मैंने बताई कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा। अब यहाँ पर कार्य की गणना आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से नहीं करोगे, बल गुना विस्थापन, यही फॉर्मूला है ना कार्य का, कि बल गुना विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे आप इस वाले आवेश को नज़दीक लेकर के आओगे, नज़दीक लेकर के आओगे तो ये आवेश इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और उसको वापस धकेलेगा। तो जितना ज़्यादा नज़दीक लगाओगे उतना ही ज़्यादा ये ऐसे ऐसे धकेलने की कोशिश करेगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये जो बल है ना, ये बल एक समान बल नहीं है, ये बल हर एक मिलीमीटर के बाद, हर एक सेंटीमीटर के बाद बदल रहा है। तो जब परिवर्तनशील बल होता है तब आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम इंटीग्रल कैलकुलस यूज करते हैं। अब इंटीग्रल कैलकुलस ये कहती है कि आप ना जो आप विस्थापन कर रहे हो, इतना बड़ा जो विस्थापन कर रहे हो, आप एक काम कीजिए, ये अपनी लेंथ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ठीक, अब ये इतने छोटे टुकड़े हो गए, ये इतना छोटा सा विस्थापन है, यहाँ से यहाँ तक छोटी सी दूरी है, कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो बल लग रहा है, ये बल जो लग रहा है, इस बल को आप कॉन्स्टेंट मान सकते हो। ये कैलकुलस हमें इजाज़त देती है कि सूक्ष्म दूरी चलाने में जो बल लगेगा उस बल की वैल्यू बदलेगी नहीं, आप ऐसा सोच सकते हो। तो फिर कार्य कितना हुआ, क्योंकि सूक्ष्म दूरी चलाई है तो इस बल की मल्टीप्लाई इस सूक्ष्म दूरी में कर दीजिए, तो ये क्या मिला आपको, कार्य मिला। लेकिन ये कार्य बहुत छोटा सा कार्य है, तो इसलिए हम यहाँ पे dW लगा देंगे, सूक्ष्म कार्य बराबर बल गुना dx। तो आप सूक्ष्म कार्य की कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हो। फिर इंटीग्रल कैलकुलस ये कहती है कि अब सबका सूक्ष्म कार्य निकाल लीजिए, इसका भी और इन सबको ऐड कर दीजिए। और इंटीग्रल कैलकुलस की लैंग्वेज में इन सबको ऐड करने का मतलब है इन सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि इसका इंटीग्रल कर दीजिए, लिमिट लेकर के, कि आप कहाँ से कहाँ तक कार्य चाहते हो, जहाँ से जहाँ तक कार्य चाहते हो वहाँ तक आप।
तो उसके बाद अब आप इंटीग्रल इसका कर सकते हो और इंटीग्रल करने से आपको पूरा कार्य मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सूक्ष्म कार्य कितना होगा? लो जी, तो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन, और बल की वैल्यू हम ऊपर पता कर चुके हैं, तो यहाँ पर बल की वैल्यू लिख सकते हैं हम, ये 1/4 πε₀ कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर और इनटू में ये डी एक्स। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम विस्थापन इस तरफ कर रहे हैं, लेकिन ये धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, तो इस वाले आवेश पर बल इस दिशा में लगेगा और विस्थापन इस दिशा में, तो बल और विस्थापन ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने की वजह से हम यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, ये हमने माइनस का साइन ले लिया। ठीक है, तो ये जो आपने कार्य निकाला है इस आवेश को यहाँ तक लाने में, ये आपने बहुत छोटा सा कार्य किया है, लेकिन हमें तो पूरा कार्य चाहिए, तभी तो पूरा विभव की कैलकुलेशन होगी। तो हमने सूक्ष्म विस्थापन किया है, मान लीजिए ये छोटा सा एक हिस्सा बनाया हमने, और इस वाले लोकेशन का नाम है ए, इस वाले लोकेशन का नाम मान लीजिए ए, और इस वाले लोकेशन का नाम है बी। तो ए से बी तक लाए हैं आप, और सूक्ष्म विस्थापन हुआ है, ये इतना सा विस्थापन हुआ है डी एक्स यहाँ पे। अब आपको चाहिए संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य यानी कि जीरो से शुरुआत करते हैं, और जीरो कहाँ होता है, जीरो कार्य कहाँ होता है, अनंत पर, अनंत पर ऊर्जा जीरो होती है, तो इसलिए हम अपनी शुरुआत करेंगे, अपनी लिमिट लेंगे अनंत से, और अनंत से लाएंगे इधर, इधर मान लीजिए ये अनंत है बहुत दूर, ऐसे ऐसे टूट टूट कर लेते हैं, या ऐसे मान लीजिए इधर है ये अनंत, और इसको ला रहे हैं और ला करके इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, तो हम अनंत से लाते 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 हमारी दूरी कितनी रह जाएगी, बिंदु पी तक आर रह जाएगी, तो हमारी लिमिट कितनी हुई, अनंत से आर तक, तो हमारी लिमिट हो जाएगी अनंत से आर तक। तो संपूर्ण कार्य की कैलकुलेशन होगी आपकी समाकलन से, संपूर्ण कार्य के लिए आप क्या करोगे, समाकलन, संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करेंगे, तो संपूर्ण कार्य के लिए निश्चित सीमा के भीतर समाकलन कर लेते हैं। तो आइए अब हम समाकलन करते हैं, किसका समाकलन करना है हमें, ए इसका, लो जी इसका समाकलन करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बल सूक्ष्म विस्थापन, ये इंटीग्रेशन हो गया अनंत से आर तक, क्योंकि इधर का समाकलन हो चुका है, तो इसको आप कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हो, ये संपूर्ण कार्य हो गया। अब बल की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी रखी है, ये बल की वैल्यू, तो इसको दोबारा से रख लेंगे हम 1/4 πε, या मैं यहाँ लिख देता हूँ अनंत से आर, ये 1/4 πε₀ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके बाद समाकलन में जो कॉन्स्टेंट चीज़ें होती है, अचर पद होते हैं, उनको बाहर कर लिया जाता है, तो ये कॉन्स्टेंट है हमारा 4πε₀, ये कॉन्स्टेंट है, कैपिटल क्यू भी कॉन्स्टेंट है, स्मॉल क्यू भी कॉन्स्टेंट है, तो सिर्फ कौन बदलेगा, आपका बदलेगा एक्स, एक्स वेरिएबल है, तो अंदर रह जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे हम, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 πε₀ कैपिटल क्यू, इसको आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लेकर के चले जाता हूँ, ये पावर माइनस की हो जाएगी। अब समाकलन करने का रूल आप जानते ही हो, समाकलन करने का रूल ये है कि जो पावर वेरिएबल्स पे है उसमें अपनी तरफ से एक पावर ऐड कर दीजिए, तो मैंने ये अपनी तरफ से एक पावर जब इसमें ऐड करूँगा तो ये टोटल मिलेगा मुझे -1, तो यहाँ लिखूँगा -1 ऐड करने के बाद, और जो ऐड करने के बाद आपको मिलता है उसको आपको बटे में भी लगाना रहता है, ये माइनस बटे में भी लगा दिया, और लिमिट हमारी ऐसे की ऐसी रहेगी, ये आपकी लिमिट है, आपकी लिमिट है आर से लेकर, सॉरी अनंत से लेकर आर तक, तो ये अनंत से लेकर आर तक हमारी लिमिट है। अब यहाँ पर हमने ये माइनस मिस कर दिया, इसको माइनस को लगा लेते हैं यहाँ पर, ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस, और ये माइनस बाहर निकल कर के आएगा, तो इस माइनस को ये प्लस कर देगा, तो आपको ये कार्य मिलता है 1/4 πε₀ कैपिटल क्यू क्यू नॉट, और ये माइनस बाहर आ गया, वो प्लस हो गया आएगा, तो ये माइनस बाहर आ चुका है,
और इस x को मैंने नीचे उतार लिया, तो इसको लिखो 1/x, लिमिट मेरी वही है अनंत से लेकर के r तक। अब इसमें लिमिट भरते हैं, या इस वाले q नोट को इस w के नीचे ले आइए, क्यों? क्योंकि ये अगली लाइन में विभव बन जाएगा, विभव की परिभाषा यही तो है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो ये विभव बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 कैपिटल Q और लिमिट रख देंगे हम। तो पहले लिमिट भरने का तरीका ये है, पहले ऊपर की लिमिट आएगी इसकी जगह वेरिएबल्स की जगह, और फिर नीचे की लिमिट जाएगी। तो पहले ऊपर की लिमिट और फिर नीचे की लिमिट, ये नीचे की लिमिट, और दोनों के बीच में माइनस रहता है। अब 1/∞ की वैल्यू तो होती है 0, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 कैपिटल क्यू, और अंदर लिखा हुआ है सिर्फ 1/r, ये तो 0 हो गया, तो यानी कि r, तो क्योंकि मल्टीप्लाई इसमें होगी क्यू इगन कर क्यू और अपॉन में ये r, तो आपको ये विभव बन चुका है, क्योंकि ये विभव की परिभाषा है, तो ये मैं लिख दूंगा विभव 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन r। तो r दूरी पर किसी आवेश द्वारा बनाया गया विद्युत विभव का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले से हम विद्युत विभव की गणना करा करेंगे। इसमें दो नोट पॉइंट ध्यान रखने हैं, नंबर एक, जो विभव है वो एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा विशा नहीं होती। नंबर दो, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ये होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और विभव की वैल्यू होती है क्यू अपॉन आर, यानी कि इसमें स्क्वायर नहीं है, विद्युत क्षेत्र में स्क्वायर होता है। तो अगर किसी बिंदु आवेश से आप 5 मीटर दूर जाते हो, तो सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज होता है वो विद्युत क्षेत्र डिक्रीज हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जल्दी से गिर जाती है, जबकि विद्युत विभव कम डिक्रीज होता है, उसकी वैल्यू कम गिरती है। यानी कि अगर आप 5 मीटर जाते हो तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा 25 गुना, और विद्युत विभव केवल 5 गुना कम होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बना करके दिखाऊँ, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये मान लीजिए विभव है और ये दूरी है, तो यहाँ से ये मैंने सबसे पहले बनाया ग्राफ विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बहुत फास्ट गिरेगा, जबकि जो विद्युत विभव होगा, विद्युत विभव का ग्राफ स्लोली गिरेगा, बहुत आसानी से गिरेगा।